हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेचर मवरी ग्रुप। कॉलेज में एक्सपेक्टेड कट ऑफ में हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। तो दोस्तों, मैंने ऑलरेडी इस क्रम में आपको 4 मेडिकल कॉलेज के बारे में ऑलरेडी बता रखा है। उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं और आपको पता कर सकते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ उन टॉप 4 कॉलेजेस का हो सकता है। आज मैं 5th नंबर के कॉलेज की बात करूँगा जो प्रायोरिटी में 5th आता है, लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ की। दोस्तों, ये भी एक डिमांडिंग कॉलेज है, तो इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा में क्या हो सकता है, इसी पर वीडियो है। वीडियो देखने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं LRRM मेडिकल कॉलेज मेरठ की। जो सीट मैट्रिक्स है वो लगभग 150 सीट्स है, जिसमें ऑल इंडिया कोटा की 23 और स्टेट कोटा की 124 के करीब है। कुछ सीटें इसमें गड़बड़ रही हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है या रह सकता है इस बार। जो एक्सपेक्टेड स्कोर है वो कुछ इस तरह से, जनरली 685 to 610, OBC के लिए 685 to 610, SC के लिए 480 to 495 और ST के लिए 485 to 490 करीब हो सकता है। ये कैटेगरी वाइज भी डिपेंड करता है कि स्कोर कितना किस कैटेगरी का हो जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जो लोग स्टेट कोटा से बिलोंग करते हैं, स्टेट डोमिसाइल रखते हैं उत्तर प्रदेश का, उनके लिए एक्सपेक्टेड स्कोर इस कॉलेज के लिए क्या हो सकता है। ये भी नंबर 5th कॉलेज है दोस्तों, तो डिमांडिंग कॉलेज ये भी रहता है। जनरली 590 to 595, OBC के लिए 585 to 590, SC के लिए 470 to 475, ST के लिए 335 to 340। बेसिकली दोस्तों, इतने से ज़्यादा स्कोर था पिछली बार, लेकिन इस बार कम रहेगा क्योंकि सीटें भी इंक्रीज़ होंगी और कॉलेज भी इंक्रीज़ हुए। तो दोस्तों, ये रहा एक्सपेक्टेड कट ऑफ लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ का। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करें नंबर 6, जो प्रायोरिटी में नंबर 6 का कॉलेज आता है उसकी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू मुरुगु। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।